हाँ जी नमस्कार, मैं अमित बैनर्जी। और वो मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली जो मुझे डायबिटीज हुआ, बहुत हाई डायबिटीज, और इतने बड़े डायबिटीज का जो रिजल्ट आता है तो आदमी फाख रह जाता है कि क्या खाए और क्या ना खाए। इसमें कई तरह के यूट्यूब हैं, इस खाने की कई किताबें हैं, डाइटिशियन बताते हैं क्या खाना चाहिए। एनीवे मैं शॉर्टकट में बताता हूँ आपको, आज ये जो रेसिपी मैं बना रहा हूँ इसके पहले मैंने बनाया है, लेकिन आज थोड़ा मैंने इम्प्रोवाइज किया है। इम्प्रोवाइजेशन में क्या है, अब देखिए ये कुछ नहीं, कैबेज है यानी बंद गोभी है जिसको मैंने फाइन चॉप्स काटा है। ये शिमला मिर्च है, छोटे छोटे काटा है, अदरक है, ये मिर्चा है। ये सूखा मूंग की दाल मैंने भिगो दिया था आधे घंटे या एक घंटे पहले। और ये ग्रीन पीस है फ्रोजन जो मैंने भिगोया हुआ है। और ये मैंने कॉलीफ्लावर लिया है, अब वो क्या करूँगा मैं बताऊँगा आपको। और ये देखिए लेमन भी है, नींबू है, हरा धनिया है, टमाटर भी है। और ये सब होने के बाद में एक खास बात और है कि देखिए दाल, मूंग की दाल जिसमें मैंने भिगोया था, उस दाल के पानी को मैंने नहीं फेंका है, उस दाल के पानी को मैंने गिलास में रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाना। लेकिन बनाने के लिए बड़ा टेक्निकल होता है कि हर चीज़ बनाना बहुत आसान होता है, खाना भी आपको अच्छा होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का प्रेजेंटेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए मैंने एक बाउल लिया है, ये हालांकि माइक्रोवेव का बाउल है, जिनके घर में माइक्रोवेव है उस बाउल में आप उसको रखेंगे और जब खाएंगे उसको गर्म करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बनाने का। वेटी वेट काम होता है। अब मैंने एक तरफ फ्राई पैन लगा दिया है, एक तरफ मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है। अब दोनों चीज मैं एक साथ कर रहा हूँ तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा क्या है नहीं है। ओके, अब देखिए मैंने इसमें चढ़ा दिया है कुकर में दाल, पानी दे रहे कितना डाला है, और अभी मुझे देखना है मैंने इसमें थोड़ा हल्दी डाला है, थोड़ा सा मिर्चा डाला है, नमक डाला है और कुछ नहीं डाला है इसमें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो पानी जो है ना, इसमें अगर पानी ज़्यादा हो गया तो आपका गए काम से, सूखा मूंग की दाल बनेगा। तो इसमें सिर्फ एक सीटी में ही बनाना है पानी, थोड़ा सा पानी मुझे और चाहिए तो मैं थोड़ा सा पानी डालता हूँ, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगा। और ये पानी इसमें उतना ही पड़ेगा जितनी आवश्यकता होनी चाहिए और कुछ नहीं है। अब इसमें मैं ग्रीन पीस डाल दूंगा, उसके बाद में देखिएगा। अब देखिए मैं बहुत कम रिफाइंड ऑयल दिया था और इसको सॉटे करते, हालांकि आपके अगर आपके पास में माइक ग्रिलिंग है तो आप ग्रिलिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जो क्वालिफायर है, थोड़ा सा आपको सॉटे बोलते हैं फिर मैं कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से है। आप चाहे तो इसको चाहे तो बॉइल्ड पानी में भी डाल सकते हैं, उससे आपका हो जाए। और ये देखिए मेरा जो फ्लेम है, हालांकि मेरा गैस थोड़ा सर्जरी मांगता है, हाई फ्लेम होना चाहिए, और हाई फ्लेम में होने से क्या है, एक सीटी में आपको इसको उतारना पड़ेगा। तो मैंने उसमें क्या किया है, अभी देखिए थोड़ा बिखर चीज हो रहा है इसका, और वैसे वैसे आपको मैं उतारना चाहूँगा। अब देखिए मेरा ये सूखा मूंग की दाल तो तैयार हो गया, और इधर मैंने आपको बताया था कि जब मैं सॉटे कर रहा था कॉलीफ्लावर को, साथ साथ में मैंने कैप्सिकम भी काटा हुआ था, आपको दिखाया था, शिमला मिर्च मैंने, कैबेज भी काटा था, और मैंने थोड़ा हरी मिर्च डाल करके शिमला मिर्च भी काटा था करके कैप्सिकम, वो सब मैंने उसी में फ्राई पैन में डाल दिया था। अब वो सब हो गया जो करना था। अब यहाँ मैं छौंका लगाने वाला हूँ, और छौंका लगाने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा हींग ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हींग, और आप जीरा डालिए, और जीरा डालिए आप
आपका तेल से भी कर सकते हैं, रिफाइंड जैसा आपको पसंद हो। अगर आपको देसी घी खाना हो, मक्खन खाना हो, डॉक्टर ने जो बोला वो करिए। अब मैंने इसको कर दिया, अब मैंने इस पर छोका लगा दिया, फाइन। कुछ मैं बचा के रख रहा हूँ, जब पूरी गार्निशिंग करूँगा तब करूँगा। ओके, प्रोडक्ट तैयार है। मैंने आपसे पहले कहा था खाना बनाना, खाना प्रेजेंटेशन करना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ताकि खाना जो कहे कि आइए मुझे खाई, तो वो आपका होना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं होटल मैनेजमेंट किया हूँ या एग्जीक्यूटिव शेफ के रूप में संजीव कपूर साथ कंपटीशन करूँगा, लेकिन देखिए इसमें इतना सूखा मूंग की दाल है, मटर भी है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, टमाटर है, जिंजर है, लेमन है। जब इसको आप लेंगे ना, वो जो शेफ हरपाल सिंह बोलते हैं, वाह भी वाह, मजा आ गया। तो जब तक उस खाने में मजा नहीं आएगा तो आपको नहीं आएगा। तो ये मेरा आज का रेसिपी है, स्पेशली सूखा मूंग की दाल जो आपने वीडियो में देखेंगे। मैं अमित बनर्जी इलाहाबाद से, मेरा फ़ोन नंबर है 9450002531, और मेरे और भी कई रेसिपीज़ हैं जो आप देख सकते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल में MyMYMovies अमित AMIT अमित बनर्जी BANERJEE, उसमें आप वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें अपना फीडबैक देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू।